Dear friends, welcome back to my channel, English Mentor. This is our article number 4. और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है और उसकी हमारी जिंदगी के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, उसका हमारी जिंदगी के अंदर क्या महत्व है. सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान, जो कि हम इंसानों का एक सबसे बड़ा क्वालिटी है और हर एक इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए. तो इसी सेल्फ रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस को हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल के अंदर. सो लेट अस स्टार्ट. देखें, अ ह्यूमन वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्वालिटी होता है, यानी हम इंसानों की ये सबसे बड़ी एक क्वालिटी है क्या, विच अडॉन्स. अडॉन्स का मतलब होता है वैसे ब्यूटीफाई करना, किसी चीज को सुंदर दिखाना, लाइफ, यानी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है एक ऐसी क्वालिटी जो हमें क्या करती है, हम हमारी जिंदगी को डेकोरेट करती है, हमारी जिंदगी को सुंदर बनाती है एंड मेक्स इट वर्थ लिविंग, और हमारी जिंदगी को जीने लायक बनाती है. इस सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब ये जो खुद की इज्जत करना, जिसको आप बोल सकते आत्म सम्मान. आत्म सम्मान एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा गुण है हर एक इंसान का, जो हमारी जिंदगी को क्या करती है, सुंदर बनाती है और हमारी जिंदगी को जीने लायक बनाती है. इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अटेनिंग सक्सेस इन योर लाइफ. और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. सिग्निफिकेंट मतलब ह्यूज रोल, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है क्या. आत्म जो सम्मान होता है वो हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इन अटेनिंग सक्सेस इन योर लाइफ, कि हम अपनी जिंदगी के अंदर जो सक्सेस पाना चाहते हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है. वो रिस्पेक्ट, वो सक्सेस जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, दैट सक्सेस इज यूजलेस. वो सक्सेस मायने ही नहीं होते उस सक्सेस के. अ मैन विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, एक ऐसा इंसान जो जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है या जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता है, इज अकीन टू. अकीन टू का मतलब होता है सिमिलर टू बॉडी विदाउट एनी ब्रेथ. वो एक ऐसे मतलब जैसे एक मानव शरीर है जिसके अंदर सांस नहीं होती है, वो मरा हुआ है. तो इन द सेम वे एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो भी इंसान जिंदा नहीं है, वो भी एक डेड बॉडी की तरह ही है. इट हैज बीन राइटली सेड, किसी ने बहुत खूब कहा है, इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, कि अगर आप खुद की इज्जत करते हो, द पीपल विल रिस्पेक्ट यू, लोग भी आपकी इज्जत करेंगे. ये बिल्कुल सच है कि अगर एक ऐसा इंसान जो खुद की रिस्पेक्ट करता है तो लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. ऑन द अदर साइड एक ऐसा इंसान जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है और वो दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे उसकी रिस्पेक्ट करे, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ऐसा कभी भी नहीं होता है. इन द वॉक ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की इस रेस के अंदर, इस जर्नी के अंदर, यू हैव टू एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिंदगी के इस सफर के अंदर उसको ऑब्स्टेकल्स का सामना ना करना पड़े. ऑब्स्टेकल्स मतलब प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े. हर एक इंसान को इन जो ऑब्स्टेकल्स है, इन प्रॉब्लम्स को उनको एक्सपीरियंस करना होता है, अनुभव करना होता है. फैमिली ऑब्लिगेशंस, और हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. ऑब्सेशन ऑफ मनी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते, पैसे के लालच में आकर, ऑब्सेशन का मतलब यहाँ पर ग्रीड कह सकते हैं, पैसे के लालच में आकर, पावर के लालच में आकर, एंड एक्वायरिंग ऑल द लग्जरी. और उनको किस चीज का लालच होता है कि वो सारी की सारी जो लग्जरी है, जो भोग विलास की जो चीजें हैं, उनको एक्वायर करना चाहते हैं, उनको अटेन करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, और इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं. Which abate का मतलब reduce करना, you to execute something below your dignity. और कई बार क्या इंसान क्या करता है, power, पैसा, family obligation, obstacles, इन सभी के चक्कर के अंदर वो क्या करता है, बहुत सारी कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो नहीं करना चाहता है, जो कि उसकी dignity मतलब self respect, आत्म सम्मान से भी
नीचे का काम होता है उसको करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे जो आत्मसम्मान है वो नीचे हो जाता है। तो कोई भी काम हमें अपने आत्मसम्मान से नीचे नहीं करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट इज द थिंग विच मेक्स अ लाइफ वर्थ लिविंग। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो हमें जीने का मकसद देती है, और दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे तो हम एक शान से जिंदगी जिएंगे, और सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे जिंदगी के कुछ मायने ही नहीं होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर, और हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे हो। द ग्रीवियंस, ग्रीवियंस का मतलब दुख दर्द कह सकते हो, रिग्रेट कह सकते हो, विच यू प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब होता है जब कभी हम कोई भी काम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे करते हैं, प्रोक्योर का मतलब हो गया रिसीव करना आफ्टर अकम्प्लिशिंग। क्योंकि जब आप कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे है, और उसके बाद जब आप अकेले में होते हैं तो हम अक्सर इस बात को एहसास करते हैं, हमारे माइंड में ये चीज चलती रहती है कि हमने वो गलत काम किया है। और वो जो ग्रीवियंस होता है, वो जो रिग्रेट होता है, हमें एक गलत काम करने के बाद जो मिलता है, तो डेफिनेटली सी बात है वो ग्रीवियंस हमें बहुत परेशान करता है। एंड द इल प्रैक्टिस, क्योंकि जो गलत हमने काम किया है ना, हॉन्ट्स, डराना यू फॉर लॉन्ग, और वो गलत काम हमेशा हमारा पीछा करता है और अक्सर हमें डराता रहता है, क्योंकि हम अपनी आत्मा को सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना। प्रोबेबली संभवतः बाय कॉम्प्रोमाइजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, और कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज कर कुछ ऐसा काम कर देते हैं, यू मे सक्सीड बाय लीव्स एंड बाउंड्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ गलत काम करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके वो जिंदगी के अंदर सक्सीड बाय लीव्स एंड बाउंड्स, यानी वो तरक्की करते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति तो कर लेते हैं, बट योर डेमोलिशन का मतलब होता है किसी का नीचे गिरना, इज इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल। वो इंसान जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके सक्सेस को हासिल करते हैं, सूनर और लेटर देयर डेमोलिशन इज इनएविटेबल, यानी कि उनका जो नीचे गिरना है वो तय है, क्योंकि वो सक्सेस जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके कमाई गई है वो सक्सेस, वो लंबे टाइम तक नहीं टिकती है, वो डेफिनेटली सी बात है एक ना एक दिन वो ढह जाएगी, एक ना एक दिन वो कॉलेप्स हो जाएगी, वो गिर जाएगी। नथिंग और नो वन इज अबव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ना तो कोई ऐसी चीज है और ना ही कोई ऐसा इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर है, कोई भी इस दुनिया के अंदर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं है। व्हेनेवर यू फॉल इनटू अ डिलेमा, जब कभी डिलेमे का मतलब अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन, मतलब जब कभी आप एक ऐसे डिलेमा के अंदर पड़ जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कई बार हमें होता है कि हमें जो हमारे एक सिचुएशन होता है वो हमें फोर्स करता है कि हमें ये काम कर लेना चाहिए, तो उस केस में हमेशा ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल हो सकता है लेफ्ट साइड के अंदर हो लेकिन वो हमेशा आपको राइट चीजें ही बताता है। इंडीड हार्ट इज इन द लेफ्ट साइड बट डिपिक्स द पाथ इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये सच्चाई है कि इंसान का जो दिल है वो लेफ्ट साइड के अंदर है, लेकिन वो क्या करता है, डिपिक्स का मतलब दिखाना पाथ, रास्ता इन द राइट डायरेक्शन। हालांकि जो दिल है इंसान का वो लेफ्ट साइड के अंदर है, लेकिन वो रास्ता हमेशा बिल्कुल राइट डायरेक्शन का ही दिखाता है, सही दिशा देता है। Thus it can be asserted. Asserted का मतलब होता है किसी चीज को आप जो स्ट्रांगली बोलते हैं, सो ये बात बोली जा सकती है दैट लिविंग विद सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए, इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है बहरूप, या जिसको आप बोल सकते हैं ये मतलब ड्रेसिंग वेशभूषा बदलकर आना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हो गया एक छुपा हुआ वरदान। तो यानी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीते हैं तो ये एक छुपा हुआ वरदान है सभी के लिए, विच पेव्स द पाथ टू एक्सेल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और वो इंसान जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीते हैं तो वो क्या करते हैं, पेव्स द पाथ का मतलब है क्रिएट द पाथ, वो एक ऐसा रास्ता बनाते हैं टू एक्सेल का मतलब टू सक्सीड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिससे कि वो जिंदगी के हर एक पहलू के अंदर सफलता पा सके। वो इंसान जो
अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो इंसान जो खुद की इज्जत करते हैं, तो डेफिनेटली सी बात है उनको जिंदगी के अंदर एक्सेल करने से, सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। वो जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट के अंदर सफलता पाते हैं। तो कभी भी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज इट एनी कॉस्ट। तो कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी जीने का मकसद देती है। हमें हर वो काम करें जिससे हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हम इन्हांस कर सकते हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े ना कि कम हो। और सबसे पहले हम अगर दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले हमें खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी, तभी दूसरे लोग हमारी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। आई होप माई डियर फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस आर्टिकल प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। आई विल कंटिन्यू विद अनदर ब्लॉग राइटिंग टुमारो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।